हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, अभी हम रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर भी देखेंगे, उसके बाद में इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे कि स्टॉक में हमें बने रहना चाहिए या स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए। और कंपनी में अभी एंट्री अगर लेंगे तो कौन से लेवल पर हम एंट्री ले सकते हैं, सारे पैरामीटर चेक करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बिल्ड होगा वीडियो बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए, मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था यहाँ पे कैपलिन पॉइंट के बारे में। आप थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत बेहतरीन शेयर है और यहाँ पे मौका भी हमारे को दे रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो इसके बारे में भी वो मन बना सकते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिए, ताकि उनको पता भी चल जाएगा। और यहाँ पे कुरुर बैंक जो है, ये स्विंग ट्रेडर के लिए है। कौन सा एंट्री लेवल है, कौन सा एग्जिट लेवल है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे अवंती फीड्स है। अवंती फीड्स किसी का पोर्टफोलियो में अगर है तो उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने बात किया हूँ। यहाँ पे डोंट सेल दी स्टॉक, ये जो स्टॉक हमारा पोर्टफोलियो में रहेगा तो स्टॉक को सेल भी कभी भी नहीं करने का। अभी ऐसे काफ़ी सारा वीडियो बनाया हुआ है, महिंद्रा ग्रुप का, महिंद्रा फाइनेंस एंड फाइनेंस है। यहाँ पे IGL का एंट्री लेवल बताया हुआ है। यहाँ पे कनाडा बैंक है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, RVNL है, बजाज है। यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक जो कि मल्टी वैगर स्टॉक है, अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो लेके रख सकते हैं। यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए भी पोर्टफोलियो बनाने के लिए 5 स्टॉक को रख सकते हैं। वीडियो देख लीजिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, तो आपका मन में कोई डर भी नहीं बैठेगा कि क्या करना चाहिए स्टॉक के बारे में। काफ़ी सारा स्टॉक है, जहाँ पे वर्लपूल है, सिम्फोनी है, अमर राजा बैटरी है, एस्ट्राजेनिक है, ICICI लोम्बार्ड है, ऐसे काफ़ी सारा स्टॉक है। स्कॉट है, स्कॉट का मैंने जब बताया था उस टाइम पे, जिसने बाय करके रखे होंगे उनको अभी अच्छा मुनाफा हो रहा होगा, क्योंकि अभी 12% मूवमेंट हो चुका है स्कॉट में। और जिन्होंने अदानी लिए होंगे तो अदानी में भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैंने फ्रेंड्स आज अदानी में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड करके रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि 1 महीने के अंदर में मेरे को 40% गेन मिला है, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया हूँ काफ़ी। और बाकी भी काफ़ी सारा शेयर है जहाँ पे एंट्री का लेवल अभी ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूट मोबाइल जो है, यहाँ पे रूट इज द क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये जो रूट मोबाइल है, क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में प्रोवाइडिंग करते हैं। और इनका जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन में, यहाँ पे देखिए, दिस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग स्मार्ट सॉल्यूशन इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, SMS, फिल्टरिंग, एनालिस्ट एंड मोनिटाइजेशन। इट इज़ द इनकॉर्पोरेट इन 2004, 2004 से कंपनी स्टार्ट हुआ है। ये लिस्टिंग अभी हुआ है फिलहाल 2020 में सितंबर में, अभी लिस्टिंग हुआ है। लिस्टिंग के बाद में तो स्टॉक मल्टी वैगर बना है, काफ़ी कई गुना स्टॉक कर दिया है, मल्टी वैगर बन चुका है अभी। देखिए, जब स्टॉक लिस्टिंग हुआ था जिस दिन, वहाँ पे 630 से लेके अभी जो हाई लगाया है 2300 लेवल का हाई लगा चुका है। तो मतलब आप सोच के चलिए, ये जिन्होंने इसको पोर्टफोलियो में रखा होगा, नहीं तो उसी सेम डे पे लिया होगा, तो उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। देखिए, मतलब 250% का रिटर्न है, वो कितना दिन का अंदर 250% का रिटर्न है। मतलब बिगेस्ट मल्टी वैगर है ये स्टॉक, ये 1 साल भी नहीं हुआ है लेकिन 2.5 गुना हो गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर जाएंगे तो इसका पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये स्मॉल कैप कंपनी है, 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और ये कंपनी का जो हाई था, ऑल टाइम हाई 2300 पे था, और अभी जो करंट प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है 1928 पे। और कंपनी का ROC है 33 है, जो कि एक्सलेंट है, ROC 33 है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो कंपनी में डेट भी नहीं है, 3% डेट है। तो यहाँ पे प्लेस परसेंटेज भी 0 है। मतलब ये जो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, ये फाइनेंशियल पैरामीटर में, यहाँ पे एक्सलेंट है, प्लेस भी प्रमोटर का नहीं है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है, नहीं है, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, यहाँ पे ROC भी अच्छा है, तो यहाँ पे बेटर कंडीशन दिखता है। अगर इसी हिसाब से हम जाके देखेंगे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट, यहाँ पे क्वार्टरली टू क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक क्वार्टर में इनका जो सेल्स है बढ़ते जा रहा है, सेल्स ग्रोइंग है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 378 करोड़ का अभी सेल्स है जून में, पिछले जून में जो सेल्स था 310 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स तो ग्रो हुआ है, बहुत बेहतरीन ग्रो हुआ है, बहुत अच्छा ग्रोइंग हुआ है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट भी देखते हैं, प्रॉफिट देखिए 27 करोड़ का पहले प्रॉफिट था, अभी 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट भी ग्रोइंग है। तो यहाँ पे जब हम ईयरली रिजल्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए,
2020 को 58 करोड़ का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, यहाँ पे मार्च 2021 को 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है। तो इसीलिए स्टॉक प्राइस में इतना जंप हुआ है, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ता है उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है, मतलब प्रॉफिट को फॉलो करके स्टॉक प्राइस फॉलो करता है। तो अभी लास्ट चार क्वार्टर को अगर मिला के हम देखेंगे, 140 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, अगर कंपाउंडिंग सेल्स आप देखते हैं 5 ईयर्स का, 31% CAGR में कंपाउंडिंग सेल्स भी कंपनी का बढ़ा है, तो इसीलिए तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट भी लास्ट 3 ईयर्स में CAGR 40% ग्रो हुआ है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी 31% का 5 ईयर में ग्रो हुआ है, तो बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट में अगर हम जाके देखते हैं, यहाँ पे देखिए रिजर्व में हर एक ईयर में रिजर्व बढ़ते जा रहा है। 50 करोड़ से स्टार्ट हुआ था 2016 से, अभी रिजर्व आके 12 टाइम्स बढ़ चुका है, 594 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। तो बहुत अच्छा से ग्रोइंग हो रहा है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाके लास्ट में देखते हैं, मैनेजमेंट के हाथ में जो प्रमोटर के हाथ में अच्छा भी होल्डिंग है, होल्डिंग यहाँ पे देखिए 65% का होल्डिंग प्रमोटर के हाथ में, तो बहुत बढ़िया है। अगर प्रमोटर के हाथ में 65% की होल्डिंग है तो उनके हाथ में ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो FIA के हाथ में भी 15.6% है, मतलब दोनों को अगर मिला देंगे तो 85% का यहाँ पे होल्डिंग है। तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे पब्लिक के हाथ में 6% है, और पब्लिक सॉरी DI के हाथ में 6% है, पब्लिक के हाथ में 13% है। फाइनेंशियल पैरामीटर जो है एक्सीलेंट है, इसमें कोई हमारे को डाउट डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगर हम चार्ट पैटर्न में जाते हैं तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न में जाके देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी चार्ट में अभी मूविंग एवरेज अभी लगाया हूँ, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए रेड कलर का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आज 200 डे नहीं है, ये 100 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे देखिए स्टॉक स्टॉक हमेशा इतना बुलिश है कि 100 डे मूविंग एवरेज के पास में ही आके फिर रिवर्स ले लेता है। ओके, तो यहीं पे 100 डे मूविंग एवरेज के पास में आके सपोर्ट लेके फिर चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं स्टॉक में, तो अभी यही 100 डे मूविंग एवरेज के पास में आके सपोर्ट लिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी को अगर एंट्री लेना है तो कौन सा उसको बाइंग पॉइंट हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। अभी देखिए यहाँ पे बहुत बाइंग ज़बरदस्त बाइंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटर ने माल उठा रहा है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट निकल करके आता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के पास में ही सपोर्ट निकल करके आता है, जो कि यहाँ पे देखिए यही आपका सपोर्ट है, यही आपका सपोर्ट जोन है। तो इस हिसाब से 1827 जो कि आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट प्राइस से लेके आपका 200 डे मूविंग एवरेज का जो प्राइस है 1800, ठीक है, 1800 से लेके 1827 के अंदर अगर आपको ये प्राइस आ जाता है तो उस हिसाब से आप बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। 1800 से लेके अगर 1830 तक का कोई भी प्राइस आपको मिल जाता है, उसी हिसाब से आप बाइंग करके चल सकते हैं। और आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ले रहे हैं, तो आपका जो टारगेट रहेगा, आप इसी टारगेट को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है आपका, जो कि 6 मंथ्स के अंदर आपको अचीव हो सकता है ये टारगेट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप जाएंगे 6 मंथ्स के लिए टारगेट लेके चलते हैं, आपको 21% का गेन मिल सकता है, ठीक है, ये कभी भी मिल सकता है, हो सकता है 1 हफ्ते में मिल सकता है, हो सकता है 3 मंथ्स में भी मिल सकता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको एक मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रहे हैं। तो इस हिसाब से 6 मंथ्स में अगर आपको एक गेन अच्छा सा गेन मिल सकता है, क्योंकि मैं किसी लिए बोल रहा हूँ 6 मंथ्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे आया था यहाँ पे स्टॉक प्राइस, तो वो लेवल जाने के लिए कितना टाइम लगा है एक बार हम खुद भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे इसे हाई तक, देखिए एक 95 डेज लगा है, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लगा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा जो टारगेट है ये अराउंड 3 मंथ्स के अंदर में ये टारगेट अपने को मिल सकता है। तो आप सोच लीजिए आपको करना क्या है, अगर ये स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म में एक 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर में आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है, 22% का गेन। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप यहीं पे अकुमुलेट कर सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के पास में अकुमुलेट कर लीजिए, ये स्टॉक बहुत बड़ा बिगेस्ट मल्टीपल अगर है, ठीक है, ये स्टॉक ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम पे 20 साल के अंदर में 50,000 हो जाएगा,
क्योंकि जिस हिसाब से जिस रफ्तार में चल रहा है, ये बेहतरीन मौका है ये स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए तो आपका लाइफ में 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं इजीली, क्योंकि ये स्टॉक जिस हिसाब से अपना फाइनेंशियली दिखा रहा है, फाइनेंशियली रिजल्ट जो दिखा रहा है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी इसका आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका बैलेंस शीट में, देखिए रिजर्व भी कितना बढ़ते जा रहा है, 5 साल के अंदर में रिजर्व में 12% ग्रोइंग हुआ है। तो इस हिसाब से सोच के चलिए, कंपनी बिगेस्ट मल्टीबैगर आपका बन सकता है, लेकिन रिस्क लेने के लिए आप रिस्क लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर 50-60% का अगर ग्रोइंग CAGR आपको मिल गया, जैसे बजाज फाइनेंस में हुआ था, तो उस हिसाब से आप करोड़पति बन सकते हैं इजीली। लेकिन रिस्क लेने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफिकेशन तो रहेगा ना, कोई एक स्टॉक में तो हम पूरा अमाउंट नहीं डाल रहे हैं। अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उस हिसाब से मैं बता दिया लेवल, लेवल के हिसाब से आप अकुमुलेट कर सकते हैं और उस हिसाब से टारगेट पे निकल जाइए। ओके फ्रेंड्स, बस यही था रूट मोबाइल के बारे में। काफ़ी सारा फ्रेंड्स पूछ रहे थे रूट मोबाइल पे क्या करना चाहिए अभी, तो उनके लिए यही मेरा सजेशन है, तो आप अपना हिसाब से देख लीजिए। और एक चीज़ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट में मैंने आपको बताया नहीं कि RSI पे लेवल क्या है। देखिए RSI का लेवल भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए RSI जो है 44 पे चल रहा है, तो ओवरबॉट जोन भी नहीं है, 44 पे चल रहा है। RSI के हिसाब से भी हमें बाइंग भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो RSI भी कोई ओवरबॉट जोन नहीं है, तो RSI के हिसाब से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम जाएंगे TickerTips.com में जाके देखते हैं तो क्या कंपनी स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए FD से अच्छा रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे इंट्रिंसिक की वैल्यू जो है हाई है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एंट्री लेवल भी गुड बता रहा है, ठीक है। एंट्री लेवल जो बता रहा है अभी का एंट्री लेवल भी सही है। यहाँ पे नो रेड फ्लैग जोन है, तो मतलब कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता, ठीक है, जो कि कॉरपोरेट इशू वगैरह कुछ भी होता, तो यहाँ पे रेड जोन में आ जाता है, यहाँ पे ठीक है रेड फ्लैग दिख जाता। तो अभी ग्रीन है तो कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चार्ट देखिए मल्टी वैगर से रहे कैसे दिखा रहे हैं। यहाँ पे 196% का रिटर्न मैक्सिमम दिखा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे जाके आप देख सकते हैं बाकी सब पैरामीटर। यहाँ पे देखिए एनालिस्ट बता रहे हैं कि 80% एनालिस्ट बता रहे हैं ये स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। ओके, अगर कोई पेड मेंबर रहेगा तो इनको यहाँ पे अप पोटेंशियल भी यहाँ पे दिखा सकता है, लेकिन मैं सब्सक्राइब नहीं किया हूँ इसीलिए यहाँ पे नहीं बता रहा है। ओके फ्रेंड्स, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमें बता ही चल रहा है ना, यहाँ पे इसी टारगेट पे हम निकल जाएंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताया, तो आप थोड़ा सा भी यहाँ पे देख के स्टडी कर सकते हैं कि इस कंपनी में कोई कॉर्पोरेट इशू तो नहीं है, यहाँ पे एंट्री लेवल तो सही है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा खुद का भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मतलब ये स्टॉक अगर अच्छा लगा तो आप अपना पोजिशन बना सकते हैं, अगर स्टॉक अच्छा नहीं लगा तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी स्टॉक बता रहा हूँ सारे में पोजिशन आपको बनाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जो बनाता हूँ, मैं जिसमें पोजीशन बनाता हूँ मैं ही आपको बताता हूँ, तो आप अपना हिसाब से देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है पोजीशन बनाइए, नहीं तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो काफ़ी सारा स्टॉक का वीडियो पड़ा हुआ है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस हिसाब से पोजीशन बना लीजिए। जो भी स्टॉक का प्राइस आप मैंने बताया हुआ है उसके नीचे चल रहा है तो आप पोजीशन बना के चलिए, जो टारगेट बताया हुआ है वो टारगेट पर निकल जाइए। ओके फ्रेंड्स, मेरा बताने का वजह वही है जो स्टॉक मार्केट से कैसे अच्छा सेफली हम स्विंग ट्रेड करके एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।